आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमारे लास्ट सेवंथ लेक्चर नहीं देखे जो कि सॉकेट आईओ के बेस पर थे तो यार जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट थे। आई बटन पर ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आज जो हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, लाइक क्रिएट अ सिंपल स्टैटिक ग्रुप चैट एप्लीकेशन। देखिए मैं अभी आपको डायरेक्ट एडवांस पर नहीं लेकर के जा रहा कि मैं आपको डायरेक्ट एडवांस पर कुदा दूं, मैं बिल्कुल एकदम बारीकी से समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कैसे हमें स्टैटिकली काम करना, फिर हमें डायनेमिक पर जाना होगा जब हम एडवांस में जा पाएंगे। ठीक है, अभी यहां पर मैं एक स्टैटिक ग्रुप चैट एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहा हूँ। स्टैटिक मतलब कि हम यहाँ पर कोई डेटाबेस वगैरह से कनेक्टिविटी नहीं करेंगे, एक सिंपल हम स्टैटिक पेज होगा उस पर हम चैट एप्लीकेशन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप चैट एप्लीकेशन रहने वाली है, यहाँ पर आप मल्टीपल यूजर्स एक चैट के अंदर कन्वर्सेशन कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपके 1000 यूजर है तो 1000 यूजर एक ग्रुप के अंदर चैट कर पाओगे। ठीक है, एंड देन जैसे आपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा सिंपल ऐसे ही, यहाँ पर आज जो हम करने वाले हैं एक व्यू क्रिएट करेंगे, एंड देन यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है ऐड यूजर्स इन अ ग्रुप एंड शो अ इनपुट टू सेंड मैसेज। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा जब आपका ऐड यूजर हो जाएगा तो हमें उसको एक इनपुट मैसेज इनपुट बॉक्स शो कराएंगे जो कि जिससे कि वो मैसेजेस सेंड कर पाए। ठीक है, तो ये आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट सेटअप है, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस को ऑलरेडी यूज कर रखा है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये बेसिकली एक मेरा राउट क्रिएट है जो कि स्लैश पर चल रहा है, मतलब रूट राउट। ठीक है, जहां से मैं index.html को सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये index.html है जिसमें मेरा सॉकेट आईओ का CDN यहाँ पर ऑलरेडी यूज में हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, आप इसे गूगल पर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, लाइक अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ, अभी ब्लैंक आ रही है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक H1 प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक ग्रुप चैट ऐप। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो आईडीज या क्लास देंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। लाइक मैं यहाँ पर अभी दे लेता हूँ, इसकी कुछ आईडी दे लेता हूँ, लाइक समथिंग लाइक जो भी आप बोलना चाहो। लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया कि न्यू यूजर फॉर्म। ठीक है, न्यू यूजर फॉर्म करके मैंने यहाँ पर जो है इसकी आईडी दे दी। ठीक है, अभी यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली मेरा एक सबसे पहले यहाँ पर एक इनपुट होगा। ठीक है, जहां पर वो यूजर अपना क्या करेगा, अपना नेम डालेगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट रखूंगा मैं इसका, नेम इज इक्वल टू नेम रख सकता हूँ। ठीक है, तो वैसे मैं यहाँ पर फॉर्म नहीं बना रहा हूँ, फॉर्म टैग का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसके साथ वर्किंग करूंगा। ठीक है, एंड देन वैल्यू मैं स्टार्टिंग में एम्प्टी रख लेता हूँ, या भले ही मत दो, कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, प्लेस होल्डर हमें देना इंपॉर्टेंट है जिससे कि समझ में आए यूजर को। तो एंटर योर नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पर जो ये मैसेज प्रोवाइड कर दिया यूजर को। फिर क्या होगा, एक बटन होगा यहाँ पर। ठीक है, लाइक मैंने बटन प्रोवाइड किया, लाइक बटन का हम टाइप रख लेते हैं बटन, तो यहाँ पर मैंने इसका टाइप बटन रख लिया है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका नेम मतलब इसमें टेक्स्ट दे लेते हैं, लाइक चैट विद यूजर्स। ठीक है, या आप कुछ भी दे सकते हो, चैट इन ग्रुप्स। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो दे लीजिएगा। यहाँ पर चैट विद आएगा, चैट विद यूजर्स, सॉरी मैंने सेट क्यों कर दिया, चैट आएगा ना। तो यहाँ पर मेरा जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके का रेडी हो चुका है आपकी आंखों के सामने। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे यूजर नेम डालेगा, लाइक मैंने यहाँ पर अपना नेम डाला समथिंग संदीप करके। ठीक है, और ये जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा ऐड हो जाएगा यूजर एक ग्रुप चैट के अंदर। ठीक है, जहां पर मैं एक ये फिर मेरे पास ऐसा फॉर्म नहीं शो होगा, यहाँ पर मेरा दूसरा फॉर्म शो होगा जिस पर मैं चैट करूंगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो सिंपल अभी हमें क्या करना है, मेरा सॉकेट आईओ का CDN यहाँ पर यूज हो रहा है, मैं यहाँ पर जो है अपनी स्क्रिप्ट लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, स्क्रिप्ट टैग यूज कर लेता हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर सॉकेट आईओ का यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आईओ नाम का मेथड यूज किया। ठीक है, इसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, लाइक सॉकेट करके। ठीक है, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग होगी काफी बेटर वे में सॉकेट। ठीक है, अब ये आईओ जो मेथड है बेसिकली आपके CDN में ऑलरेडी है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये जो है ना आपका ऑन क्लिक, जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करेगा, चैट विद यूजर पर जैसे क्लिक करेगा वो अपना नेम डालकर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले तो चेक करना है इसके अंदर वैल्यू डली भी है या नहीं। ठीक है, फिर जैसे वो इस पर क्लिक करेगा तो हमें एक इवेंट फायर करना है। अगर आपको इवेंट के बारे में डिटेल्स नहीं पता तो यार प्लीज मैं आपसे बोल रहा था इसलिए स्टार्टिंग से ही। ठीक है, आप आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे, वरना आपके सभी ऊपर से जाएगा आई, तो समझ रहे हो ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ऑन क्लिक पर एक मैं मेथड कॉल कराऊंगा। अब इस मेथड का नाम मैंने रख लिया लाइक सेट यूजर नेम करके। ठीक है, सेट यूजर नेम कुछ भी रख लो, चाहे आप स्मॉल रख लो चाहे कुछ भी। ठीक है, तो सेट यूजर नेम नाम का मैंने मेथड बनाया। ठीक है, जो कि मैं अभी बनाया नहीं है,
अब बस यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ ये मेरा कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट में क्या करने वाला हूँ, मेरा एक मेथड कॉल होगा सेट यूजर नेम करके, ठीक है। अब ये मेथड क्या करने वाला है, सबसे पहले तो चेक करेगा कि आपके इसके अंदर कोई वैल्यू डली हुई है नहीं। लाइक मैंने इसका जो आईडी ले ली, मैंने लाइक इसकी ले ली आईडी नेम करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी जो हमारा है नेम, उसकी वैल्यू अगर उसकी वैल्यू इक्वल इक्वल होती है एम्प्टी के, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इफ बना लेता हूँ इसको, ठीक है। इफ, और यहाँ पर मैंने इफ बना लिया, इसके इफ के अंदर हम ब्लॉक यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक अलर्ट करा देता हूँ सिंपल, अभी आप कुछ भी करवा लीजिए। फिलहाल में अभी हम स्टैटिक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ज्यादा हमें दिक्कत नहीं लेनी चाहिए। मैं यहाँ पर बोल दूंगा एंटर, या प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। एंड देन एल्स में हम क्या करेंगे, एक इवेंट फायर कराने वाले होंगे, ठीक है, जो कि सर्वर की साइड पर जाएगा। अभी सर्वर साइड पर मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर सर्वर साइड पर देख रहे हो अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी हम करेंगे, ठीक है। पर उससे पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं, इवेंट फायर करने से पहले हम थोड़ा सर्वर साइड पर भी सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पैकेज ऑलरेडी यूज कर रखा है, मतलब इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं उसे रिक्वायर कर लूंगा, ठीक है। रिक्वायर करूंगा किसको, सॉकेट आयो को, सॉकेट आयो, ठीक है। इसमें हम HTTP अपना पास कर देंगे जो भी हमारा बन रहा है, ठीक है, जो कि ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है। इस तरीके से बनाना है, जिसने नहीं बनाया बना लीजिएगा, ठीक है। तो वेर, लाइक मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ आयो करके, ठीक है। अब मैंने आयो करके वेरिएबल बना लिया, इसको मेरे को कनेक्शन चेक करना होगा, ठीक है। इसका कनेक्शन जो भी कोई यूजर कनेक्शन मतलब कनेक्ट होगा, लाइक यहाँ से जब भी कोई इवेंट मतलब जैसे ये पेज लोड होगा तो हमारा ये फायर होगा, ठीक है। आयो डॉट कनेक्शन, सॉरी आयो डॉट ऑन नॉट कनेक्शन, ठीक है। तो इसके पास एक प्री डिफॉल्ट एक इवेंट होता है, लाइक जिसको हम बोलते हैं कनेक्शन, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे, जैसे ये फायर होगा तो आपका फंक्शन ये चलेगा, और फंक्शन में लाइक आपने कोई वेरिएबल बना रखा है, लाइक मैंने लिख लिया यहाँ पर सॉकेट, ठीक है। तो ये आपका चल जाएगा, लाइक यहाँ पर अगर आप कंसोल डॉट लॉग कराते हो, ठीक है, यहाँ पर लिखा हाई या कुछ भी समथिंग, मैंने इसको यहाँ पर बेसिकली सेव किया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर हाई आ चुका है मैसेज, क्योंकि एक यूजर जो है कनेक्टेड हो चुका है, मतलब कनेक्टेड ही क्यों, बेसिकली यहाँ पर जो है मेरी आयु इनिशियलाइज थी, इसलिए यहाँ पर इसने चेक किया कि हाँ आयु कहीं इनिशियलाइज थी सर्वर साइड पर, तो उसने मैसेज करा दिया सो, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम इसको हटा देते हैं, बेसिकली इतना काम आपको करना होगा, ठीक है। अभी अभी यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, इवेंट को फायर करने वाला हूँ, मतलब यहाँ से एक इवेंट को क्रिएट करने वाला हूँ। क्रिएट, यहाँ पर अभी हम इवेंट को क्रिएट करेंगे और अपने सर्वर साइड पर कैच करेंगे। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे इवेंट क्रिएट करेंगे ना या फायर करेंगे, तो हम यहाँ पर बैकएंड पर जो यह सर्वर साइड है, यहाँ पर हम बताएंगे कि ये यूजर नेम आया है आपके पास और इसको हमें कहीं स्टोर करके रखो अभी स्टैटिकली, तो ये हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इस एल्स कंडीशन में मैं क्या करने वाला हूँ, सॉकेट वेरिएबल का यूज करूंगा, सॉकेट डॉट एमिट, जैसा कि आई होप आप में से सभी लोग जानते होंगे एमिट हम किस लिए करते हैं, इवेंट क्रिएट करने के लिए। लाइक मैंने यहाँ पर बोला सेट यूजर नेम करके, मेरा जो है इवेंट चलने वाला, ठीक है। सेट यूजर नेम मेरा इवेंट फायर होगा। अब इसमें क्या होगा, मेरा कुछ डेटा है, लाइक मेरा कुछ डेटा इसके अंदर साथ जाए, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें अपना नेम डॉट वैल्यू, ठीक है, मतलब मेरे पास जो यूजर नेम डाला ना, यूजर ने ये वाला जो नेम यहाँ पर जो भी डालेगा, जैसे इस पर क्लिक करेगा पहले तो ये चेक कर रहा है प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। अगर जैसे नेम डालेगा तो मेरा ये इवेंट अकर होगा, मतलब क्रिएट होगा यहाँ से सेट यूजर नेम, इसको हम यहाँ पर अपना कैच करेंगे, ठीक है। कैसे कैच करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ से जो है इसकी वैल्यू चली गई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जाने के बाद अब हम यहाँ पर ये सेट यूजर नेम नाम का जो हमने इवेंट क्रिएट किया है, यहाँ पर इसको हमें लिसन करना है, लिसन मतलब कैच करना है हमें यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सॉकेट का यूज करेंगे, सॉकेट डॉट ऑन, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर ये वाला इवेंट यहाँ पर कैच होता है, मतलब जैसे ही ये इवेंट फायर होगा फ्रंट एंड साइड से या क्लाइंट साइड से, तो हमारा ये कॉल होने वाला है ऑन, ठीक है। यहाँ पर हम अपना फंक्शन प्रोवाइड कर लेते हैं, जो हम अपना कस्टम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये फंक्शन में क्या है, बेसिकली आपका डेटा आ रहा है, डेटा के अंदर हम यहाँ पर डेटा क्यों पास ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से जब आपने इवेंट फायर किया था सेट यूजर नेम, तो इसने इसमें आपने अपना यूजर का नेम भेजा था, तो ये नेम हमें यहाँ पर गेट करना होगा। लाइक मैंने यहाँ पर लिख लिया डेटा करके, ठीक है। अब ये जो मेरा डेटा आया, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ यूजर्स का, ठीक है, जो कि मेरा स्टोर करके रखेगा, ठीक है, एरे।
तो इस यूजर्स के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली हर एक यूजर को एंटर कराते रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये भी हमें चेक करना होगा कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस नेम से, तो वो ऑलरेडी दोबारा एंटर ना कर पाए, ठीक है। तो ये हमें सारे केसेज हमें लगाने होंगे। तो यहाँ पर मैं कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग की डेटा यूजर कनेक्टेड, ठीक है। लाइक यहाँ पर जो है यूजर का नेम आएगा डेटा में, ठीक है, कि लाइक मैंने अपना नाम बताता हूँ, संदीप यूजर कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैसेज शो कराएगा। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि ये जो नेम आया है डेटा के अंदर, वो कहीं ऑलरेडी इस एरे के अंदर एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर करता है तो भाई हम एक एरर मैसेज सेंड करेंगे यहाँ से कि भाई एरर मैसेज शो करूँ वहां पर, ठीक है, क्लाइंट साइड पर, कि ये ऑलरेडी यूजर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इफ चेक करूंगा, इफ एल्स, ठीक है, हमारे यहाँ पर इफ एल्स चलने वाले हैं। मैं चेक करूंगा यूजर्स नाम का जो हमारा एरे है उसका इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। यहाँ पर जो हम डेटा आया हमारा, जो भी हमारा नेम आया, वो हम यहाँ पर पास करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन होता है माइनस वन से, माइनस वन मतलब कि उसे वो मिल चुका है, माइनस वन मतलब अगर वो माइनस वन होगा तो उसे नहीं मिलेगा, ठीक है, सॉरी माइनस वन होगा तो यहाँ जैसे माइनस वन से ग्रेटर देन होगा, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ बताने में, कि जब किस इस एरिया में अगर ये वाला नेम मिलता है तो माइनस वन से कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा उसको, ठीक है, पर माइनस वन नहीं मिलेगा अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता हुआ, ठीक है। तो अगर वो ऐसा होता है कि इस माइनस वन से नंबर कोई एग्जिस्ट मतलब बड़ा है, लाइक जीरो है, वन है, टू है, क्योंकि इन जगह पर मिल सकता है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से एक मैसेज भेजेंगे यूजर को, मतलब क्लाइंट साइड पर, कि भाई आपका ये यूजर नेम जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो प्लीज आप कोई अनदर नेम चूज करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली एक इवेंट फायर करेंगे यहाँ से। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, सारा खेल सॉकेट से होने वाला है। यहाँ से हम कोई कुछ ऐसा नहीं करने वाले कि यहाँ से हम मतलब एक रेस्पॉन्स सेंड करें, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से भी हम एक इवेंट फायर करेंगे, लाइक मैंने यहाँ से बोला सॉकेट डॉट एमिट, ठीक है, सॉकेट डॉट एमिट, और मैं यहाँ से बोलता हूँ कि यूजर एग्जिस्ट करके, ठीक है, यूजर एग्जिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो डेटा है मतलब डेटा में जो नेम है यूजर का, वो मैंने यहाँ पर लिखा कि यूजर नेम इज ऑलरेडी इन यूज, प्लीज यूज अनदर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने यूजर को मैसेज दे दिया है। एल्स में क्या होगा, एल्स में वो नेम मिला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस वन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उस केस में हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर्स नाम का जो हमारा एरे है उसमें हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे अपने यूजर को, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर जो डेटा आया वो मैंने पुश कर दिया। और फिर मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक और इवेंट फायर करूंगा जो कि बेसिकली होगा हमारा यूजर को सेट करने का, ठीक है, सेट यूजर, ठीक है। यहाँ से मैंने बोल दिया सेट यूजर करके, ठीक है। और यहाँ से मैं एक डेटा भी पास कर देता हूँ कि भाई उसका यूजर नेम क्या है जो यूजर का है। लाइक मैंने यहाँ पर एक की बनाई, यूजर नेम में मैंने डेटा पास कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्लाइंट साइड तो बेसिकली आपका ये वाला चला था, जैसे ही वो चला हमने यहाँ पर चेक किया कि हाँ ये यूजर कनेक्टेड हो चुका है, कंसोल करा दिया। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि वो यूजर, उसने यूजर ने जो नेम डाला, अगर वो माइनस वन से ग्रेटर देन नंबर मिलता है आपके एरे के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसको एक मैसेज प्रोवाइड कर देंगे कि यूजर नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, या कुछ भी आप यूज मतलब मैसेज देना चाहते हो। और यहाँ से हमने एक ये इवेंट फायर करा है जिसको हमें अभी क्लाइंट साइड पर हैंडल करना होगा, इसको कैच करना होगा, ठीक है। अगर अगर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता था तो हमने यहाँ पर यूजर नाम के एरे के अंदर हमने उसको पुश कर दिया डेटा मतलब यूजर नेम को, ठीक है। और फिर हमने यहाँ से सेट यूजर नाम का इवेंट फायर करा जिससे कि हमारे क्लाइंट वाली साइड पर पेज को पता चल जाए कि ये यूजर सेट हो चुका है इस इवेंट पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको कैच करना होगा अपने क्लाइंट साइड पर, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर अभी हमारा एक ही मेथड चल रहा था, अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, कैच करना है उन दोनों इवेंट्स को, ठीक है, जो हमने यहाँ पर सर्वर साइड पर बनाए हुए ना, ये आपका यूजर एग्जिस्ट या सेट यूजर, ठीक है। मतलब ये इवेंट आपके फायर होंगे अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, या कुछ ऐसा समाधान यहाँ पर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको हमें कैच करना होगा, कैच हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेर लाइक चलो वेरिएबल की तो अभी नीड नहीं है, बाद में हमें देखना होगा जो भी हमें नीड पड़ने वाली होगी, ठीक है। फिलहाल में अभी हम क्या करने वाले हैं, सॉकेट डॉट ऑन, सॉकेट डॉट ऑन
सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मेरा अगर यूजर एग्जिस्ट होता है तो उस केस में मैं क्या करूं, ठीक है। तो यूजर एग्जिस्ट होता है, मैंने यहाँ पर लिखा सॉकेट डॉट ऑन, यूजर एग्जिस्ट होता है तो हम अपना फंक्शन चलाएंगे और यहाँ पर मेरा डेटा में जो डेटा आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि मैंने डेटा में क्या भेजा है, अपना एक मैसेज भेजा है, ठीक है। तो उस मैसेज को मैं कहीं ना कहीं शो कराऊंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शो कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसी फॉर्म डिव के अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ जिसकी मैं आईडी रख लेता हूँ लाइक समथिंग लाइक एरर कंटेनर, ठीक है, या एरर लिख लेता हूँ, ठीक है, एरर या एग्जिस्ट एरर, ठीक है, एग्जिस्ट एरर, ठीक है, ये मैंने रख लिया है। और अब मैं क्या कराने वाला हूँ, यहाँ से जो है जब भी कोई ये इवेंट फायर होगा तो मैं यहाँ पर कैच करूंगा और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करूंगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मैं अपने आईडी का नेम डालूंगा, उसके अंदर मैं इनर एचटीएमएल करा दूंगा डॉट इनर एचटीएमएल, और यहाँ पर हम क्या करेंगे अपना डेटा पास कर देंगे जो भी हमारा मैसेज होगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका थोड़ा कलर जो है रेड वगैरह दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ से दे देता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलन रेड, क्योंकि यार एरे मतलब एरर्स जो होती हैं आपकी रेडी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक इवेंट को यहाँ पर सेटअप कर लिया, जो भी यहाँ पर फायर होगा सर्वर साइड से तो वो हमने क्लाइंट साइड पर अपना हैंडल कर लिया, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारा नेक्स्ट जो है हमारा सेट यूजर, मतलब जब यूजर सेट हो गया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो हमारा लास्ट पॉइंट था सेकंड वाला, कि अगर यूजर सेट हो जाता है या मतलब यूजर नेम ऐड हो जाता है या यूजर ग्रुप में ऐड हो जाता है तो हम उसे क्या करेंगे, एक इनपुट शो कराएंगे जहां से वो मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं सेम थिंग करने वाला हूँ, तो मैं इसी को क्यों ना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ से जो है अपना सेट यूजर उठाता हूँ और यहाँ पर इसको डालता हूँ। अब यहाँ पर बेसिकली मेरे पास डेटा आ रहा है यूजर नेम डेटा, ठीक है, तो यहाँ से भी मेरा फंक्शन के अंदर डेटा आ ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, ये काम नहीं करूंगा, यहाँ से मैंने कि आपको बताया, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो आपका फॉर्म का जो सॉरी ये जो मैंने आईडी बना रखी है इसको मैं कर दूंगा क्लियर, या चलो क्लियर नहीं करने की नीड है, मैं इसी जैसे जैसे ये ऐड हो जाएगा यूजर तो मैं क्या करूंगा इस फॉर्म को चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर मैंने पास किया डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से स्ट्रिंग पास कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इनपुट लिखता हूँ, सबसे पहले मेरा एक इनपुट बनेगा जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, जहां पर वो अपना मैसेज डालेगा, ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। और फिर मैं इसको आईडी भी देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया आईडी मैसेज करके, ठीक है, जिससे कि हमें बाद में नीड पड़ सकती है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे लेकर के आता हूँ, कैसे नीचे लेकर के आऊंगा, मैं यहाँ पर ऐसे एंटर करूंगा और यहाँ पर मैं स्लैश लगा दूंगा, तो ये मेरा स्लैश लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे ही आपका मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा नीचे ले लेता हूँ जैसे कि आपको समझ में आए, तो इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, अब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सबसे पहले आपने एक इनपुट बनाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी इसकी रख दी मैसेज, ठीक है, और इसको हम थोड़ा क्लोज भी तो कर दें, क्लोज करना बाकी रह गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसके नीचे एक बटन भी बनाऊंगा, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर क्या किया बटन बनाया, बटन इसको हम यहाँ से बटन को क्लोज भी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं स्लैश लगा देता हूँ वरना ये एरर सी देगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बटन के अंदर क्या करता हूँ, बेसिकली इसका टाइप रख लेता हूँ बटन, ठीक है, टाइप रखो या मत रखो वो तो कोई टेंशन नहीं है, पर फिलहाल में रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें टेक्स्ट डाल देते हैं सेंड करके, ठीक है, सेंड करके डाल दिया। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक कंटेनर भी जनरेट कर दूंगा जहां पर मैसेजेस जो है आपके सो होंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने कहीं एक कंटेनर नहीं बनाया जो वहां पर मैसेजेस आपके सो हों, तो यहीं पर मैं एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है, मतलब हर एक पर्टिकुलर यूजर के लिए उसका एक डिव बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको आईडी देता हूँ जिससे कि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो, लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया मैसेजेस कंटेनर करके, ठीक है, मैसेजेस कंटेनर, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका बन चुका है, प्रॉपर बन चुका है, अब इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे ही आपका सेट यूजर हो जाएगा इस एरे के अंदर पुश हो जाएगा डेटा, ठीक है, मतलब यूजर पुश हो गया, सेट यूजर चला, आपके पास यूजर नेम डेटा करके आया, मतलब आपके यूजर का नेम आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूजर नेम कहीं स्टोर कराएंगे, अभी ये जो डेटा नाम का है इसको हमें कहीं रखना पड़ेगा क्योंकि तो हमें बाद में नीड पड़ने वाली होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, एक वेरिएबल और बना लेता हूँ यूजर करके, ठीक है, यूजर करके मैंने वेरिएबल बनाया, इस यूजर में मैं क्या करूंगा, यूजर नाम के जो वेरिएबल में यहाँ पर मैं डेटा में से यूजर नेम निकाल लूंगा, डेटा डॉट
यूजर नेम, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैंने यहाँ से यूजर नेम नाम की की भेजी, तो मैं इसके अंदर रख लेता हूँ, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे हमें इसको यूज करना है। ठीक है, फिलहाल में आपको पता चल गया कि अभी हमने किया क्या है। ठीक है, अभी मैं मतलब टेस्टिंग की कगार पर हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कुछ अलग अलग टैब्स ओपन कर लेता हूँ, लाइक यहाँ से इसकी मैंने की और यहाँ से मैंने इसको किया ओपन। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है चेक कर लेते हैं, ये इतना टाइम क्यों ले रहा है बेसिकली रिफ्रेश होने में। चलो मैं दोबारा से सर्वर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्लियर स्क्रीन, ठीक है, और यहाँ से मैं अगेन सर्वर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो नोडमोन ऐप, ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर भी मेरे पास दो टैब्स ओपन है अभी। ठीक है, मैं एक और ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर भी मेरा, सॉरी गाइस, यहाँ पर आ गया हाई, यहाँ पर आना चाहिए था 127 3000। तो यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल चैट्स ओपन करके रखी हुई हैं। मैं लाइक यहाँ से सबसे पहले का नेम डालता हूँ लाइक संदीप, चैट विद यूजर, इसका देख सकते हो यहाँ पर चेंज होकर के आपके लिए एक मैसेज नाम का, मतलब मैसेजेस सेंड करने के लिए आपके पास एक क्या आ चुका है बेसिकली फॉर्म आ चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखोगे बैकएंड साइड पर कि संदीप यूजर कनेक्टेड, ठीक है, अभी ये मैसेज कर सकता है, लाइक यहाँ से सेंड करोगे ना मैसेज करेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिलहाल में अभी हमारा जो काम है वो हम चेक कर लेते हैं। अब लाइक यहाँ पर देखोगे लाइक यहाँ से डालता है पीयू नाम का एक यूजर है, ठीक है, इसने चैट विद यूजर्स किया, इसके पास भी एक फॉर्म आ चुका है। ठीक है, और यहाँ से लाइक मान के चलिए राजीव नाम का यूजर है और यहाँ से इसने चैट विद यूजर किया, चल रहा है। ठीक है, अब मान के चलिए एक और आया यूजर, ठीक है, और उसने क्या किया, यहाँ पर भी 127 3000 करता हूँ रन। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पर मैंने संदीप नेम यूज हो गया मेरा, राजीव नेम यूज हो गया, पीयू नेम यूज हो गया। ठीक है, अब लाइक मैं यहाँ से संदीप नेम अगेन डालता हूँ और चैट विद यूजर करता हूँ, तो ये बोलता है संदीप यूजर नेम इज ऑलरेडी इन यूज, प्लीज यूज अनदर नेम। ठीक है, अब लाइक बाय द वे मान के चलिए, चलो कोई नहीं, इसने पीहू भी मतलब पीहू अगर मतलब दोबारा से डालता है किसी और यूजर का पीहू का, ठीक है, तो यहाँ से भी बोलता है पीहू यूजर नेम इज ऑलरेडी इन यूज, प्लीज यूज अनदर ईमेल। ठीक है, लाइक अगर ये राजीव डालता है तो राजीव, ये था मेरा चैट विद यूजर, राजीव यूजर नेम इज ऑलरेडी इन यूज। ठीक है, और लाइक मैंने यहाँ पर डाला लाइक संजीव, ठीक है, संजीव नेम डाला, अब ये एक्सेप्टेड कर लेगा, तो यहाँ पर ये एक्सेप्टेड हो चुका है, मतलब अभी ये 1 2 3 4 फोर लोग, फोर पीपल जो हैं अब अपना चैट कर सकते हैं ग्रुपिंग में, लाइक जो कोई भी यहाँ से मैसेज सेंड करेगा वो सभी को दिखने वाला होगा। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ कि जो भी आज हमने काम किया। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, थैंक यू।